स्टार्ट ले रही हूँ चिकन बिरयानी से और काफी नन्नी कागी सी इसकी रान का पीस है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। चलो अच्छी बात है, चिकन जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। भैया वो कौवा बिरयानी है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अलग शुक्र ठीक ठाक हैं और लौट आए हैं अनदर रिव्यू वीडियो के साथ। सो दोस्तों, जुमे का दिन हो और बिरयानी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो भाई आज जो ना हम लोग मौजूद हैं आयशम मंदिर ब्लॉक सेवन भाईजन चौक पे, यहाँ की खासम खास बिरयानी को ट्राई करने। और सबसे पहली लोकेशन हमारी जो है ना वो नेशनल बिरयानी है, नेशनल बिरयानी हाउस, जो कि भाईजन चौक ब्लॉक सेवन आयशम मंजिल पे है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं, इनकी बिरयानी को एक्सप्लोर करते हैं और ऑनेस्टली भी आप लोग तक पहुँचाते हैं। तो आ जाओ दोस्तों। चलो भाई। सो दोस्तों, फाइनली फूड इज हेयर और मैं आपको दिखा दूंगी मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। वैसे तो बिरयानी खाने आए तो ऑब्वियसली बात है कि बिरयानी ही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बिरयानी में भी इनके पास काफी वैरायटी है, तो हमने ऑर्डर की है ये जो है ना इनकी चिकन बिरयानी है। अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार। ये कुछ इस तरह का इसका लुक है। वाह भाई वाह, धुआं निकलती हुई चिकन बिरयानी। ये इसके अंदर लेग पीस। सुनिया बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना। इसकी प्राइस है दोस्तों 180 की एक प्लेट चिकन बिरयानी। ठीक है, आप चाहे तो इसमें पोटेटो वगैरह डलवा सकते हैं, मैंने नहीं डलवाया क्योंकि मैं भूल गई। इसके बाद आ जाते हैं बीफ बिरयानी। ये कुछ इस तरह का इसका लुक है और बीफ में आपको आलू भी डला हुआ मिलेगा। ये बीफ की बोटियाँ हैं। ये बीफ बिरयानी की प्राइस है 250 पर प्लेट। इसके बाद इधर आ जाते हैं इनके बीफ पुलाव पे और ये कुछ इस तरह का इसका लुक है। ये वैसे तो चिकन पुलाव भी था लेकिन फेमस जो है ना इनके बीफ पुलाव है और इसके प्राइस भी जो है ना दोस्तों 250 है। और ये इनका कुछ स्पेशल किस्म का कचूमर सलाद है, मतलब ये कुछ इस तरह का इनका नेम है, जिसके प्राइस 100 रुपये हैं। ठीक है, 50 से 100 मतलब क्वान्टिटी पे है। तो टाइम वेस्ट के बजाय फटाफट से स्टार्ट लेते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग तक पहुँचाते हैं। काफ़ी जो है ना थिक किस्म का इनका रायता। मैं स्टार्ट ले रही हूँ चिकन बिरयानी से और काफ़ी नन्नी कागी सी इसकी रान का पीस है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। चलो अच्छी बात है, चिकन जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। भैया वो कौवा बिरयानी है। ये बाइट बनाते हुए बिस्मिल्लाह बन रहे हैं। मजेदार रायते में लबाबदार करके सबसे मजेदार पता है क्या बात है, चिकन इतनी टेंडर है, बहुत जबरदस्त घुली हुई है, बहुत अच्छा। ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। मजेदार, चटपटी भी है, स्पाइसी नहीं कि बहुत ज्यादा मीठी डाली हूँ, चटपटी है, मसालेदार है, लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत ही लजीज है। अब हम आते हैं बीफ बिरयानी की तरफ। ओहो, सबसे जबरदस्त चीज ये दिखाई जाए दोस्तों, क्या टेंडर मीट है, बहुत ही टेंडर मीट है यार। बहुत ही लजीज है, बहुत परफेक्ट मसाले। कहते हैं ना बिरयानी अगर बीफ की हो ना, चिकन बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी जब खाया, लेकिन जब बीफ बिरयानी, ओहो हो हो हो, क्या ही कहने दोस्तों, बहुत ही गजब की। बीफ जो है ना भाई वो विनर ठहरती है। तो बीफ नहीं चखेगा ना उसको चिकन भी बड़ी आतंक लगेगी, बहुत ही लजीज है। लेकिन जब ये खाओ ना, खट्टापन, जूसी, मतलब जो ये मीट है ना, कहते हैं ना बीफ में बड़ा टेस्ट होता है, मतलब चार चांद लगाना ना ये मीट, थोड़ा सा ना मतलब ये चर्बी वाला मीट है। बहुत मुश्किल से इसको साइड पे करते हुए अब हम पुलाव की तरफ आते हैं और ये कुछ इस तरह का पुलाव का लुक है जो काफी अपीलिंग लग रहा है। अच्छा, इसमें ब्राउन प्याज भी डाली है, जो तड़का है ना ब्राउन प्याज का, ये खा के बताते हैं। आला, जस्ट आला, गजब का, कमाल का चावल आप देख सकते हैं, एक एक खिला खिला चावल, बहुत जबरदस्त है। इसके साथ ब्राउन प्याज बहुत अच्छा कॉम्बो दे रही है, लग ही नहीं रहा कि मीठे, मतलब बीफ बहुत अच्छा गला हुआ भाई। चिकन से लेकर बीफ, बीफ से लेकर पुलाव, बीफ का तीनों जो है अपनी जगह जो है ना, तीनों अपनी जगह बेस्ट है। ठीक है, आप आके तीनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, तीनों का अपना अच्छा अच्छा टेस्ट है। लेकिन
एक बंदा तो है ना वो तो जीतता है, तो जीता कौन है? विनर गोज टू बीफ बिरयानी। यार ये बड़ी कमाल की है, ये मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आओ तो बीफ बिरयानी जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों अपनी अगली लोकेशन में हम लोग आ चुके हैं जो कि नेशनल बिरयानी के बिल्कुल बगल में है, ठीक है, A1 फूड सेंटर में। यहाँ की बिरयानी भी ना तारीफ की मोहताज नहीं दोस्तों। तो टाइम है इसके बगैर, फटाफट से अंदर चलते हैं और इनके खासा खास बिरयानी मंगाते हैं और ऑनेस्टली भी आप लोग से देखते हैं। आ जाओ दोस्तों। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले जो है ना थोड़ी हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि कब से कहाँ तक है और कैसा है ये रेस्टोरेंट। तो हमारे साथ हैं रेस्टोरेंट के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नेम? मेरा नाम मोहम्मद कादरी। आप ये बताइए कि ये जो आपकी A1 बिरयानी फूड सेंटर है जी जी। इसको कितना अर्सा हो चुका है? इसको तकरीबन हो गए 15-17 साल हो गए। 15-17 साल, माशाल्लाह, मतलब काफी पुराना है ये। काफी पुराना है। अच्छा, और ये बताएं कि मतलब बिरयानी के अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे? बिरयानी के अलावा हमारे पास हलीम है, दाल चावल है, चाइनीज है, खीर है, जर्दा है। ये बताएं कि आपकी रोजाना की कितनी देर निकल आती है, मतलब क्या कैसा रहता है? अनलिमिटेड है मैम, गिनती नहीं है। देखो कि तकरीबन हर 10 मिनट बाद एक चेंज होती है, जैसा कि आप देख रही हैं, आपने वीडियो बनाई है, चेंज होती है बीफ बिरयानी। यानी हर 10 मिनट में एक प्लेट खाली है बाद आपको फ्रेश चावल। तो दोस्तों उसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हर 10 मिनट बाद एक प्लेट जो है ना वो फारिग हो रही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा खाना भी यहाँ पे आ चुका है। एक प्लेट बीफ बिरयानी जिसकी प्राइस जो है ना 250 है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिकन बिरयानी पे। ये कुछ इस तरह की इसकी क्वांटिटी है, इसकी प्राइस 180 पर प्लेट, ठीक है। इसके बाद इनका तो चिकन पुलाव भी था, बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारा चिकन पुलाव भी अच्छा होता है, हमने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये इनका थाई पीस और ये 180 का ही चिकन पुलाव भी है। इसके बाद आ जाते हैं अपने बीफ पुलाव पे। ये कुछ इस तरह का इसका लुक है और इसकी प्राइस भी 250 है। तो टाइम इसके बगैर फटाफट से स्टार्ट लेते हैं। मेरे ख्याल में मुझे इन सब में ना सबसे ज्यादा अपीलिंग जो है ना वो यहाँ की जो है ना चिकन बिरयानी लग रही है। मेरे ख्याल में इससे ट्राई करना चाहिए। जो चिकन है वो काफी अच्छा टेंडर हुआ है। कराची वालों की बिरयानी में आलू ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आतंक, सीरियसली गाइस, आतंक बिरयानी मजेदार। मुझ जैसे स्पाइसी लवर के लिए यानी बहुत मजेदार, बहुत चटपटी, जूसी और फुल ऑफ टेस्ट है। मतलब मजा आ गया इस बिरयानी का। यानी 180 रुपए में अगर इस तरह की गजब की चिकन बिरयानी मिले ना यार, आपकी दोपहर बन जाए, खास रूप से जुमे की दोपहर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आ गया, सीरियसली गाइस मजा आ गया। तो दोस्तों अब बीफ बिरयानी पे आ जाते हैं और जैसे मैंने बोटी तोड़ी बहुत आराम से, क्योंकि मीट इनका भी बड़ा अच्छा टेंडर हुआ है, और खा के बताते हैं कि जायके में कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोनों लाजवाब, सीरियसली ये और ज्यादा स्पाइसी, मजा आ गया। जो स्पाइसी लवर है ना यार, उनके लिए आतंक ये बिरयानी बहुत ही मजेदार, लजीज, बहुत चटपटी है। अब तो पुलाव की तरफ आ जाते हैं। मीट इसका भी काफी अच्छा टेंडर हुआ है। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आप बिरयानियों को साइड में हटा दें तो पुलाव बहुत गजब का लगेगा, लेकिन मैंने अभी चटपटी मिर्च वाली बिरयानियां खाई है तो पुलाव सादा लग रहा है। तो फाइनली चिकन पुलाव की टर्न जो है ना आ चुकी है। इसमें तो रायता बनता है। बहुत मजेदार पुलाव, चिकन का पुलाव बहुत बहुत मुनासिब इसका स्पाइसेस है। मीट चिकन इसका बहुत अच्छा टेंडर हुआ है। यहाँ की ना मतलब पुलाव भी इसकी जगह बहुत अच्छे, बीफ बिरयानी बहुत अच्छी, लेकिन जो आतंक चीज़ है ना वो है इनकी यहाँ की चिकन बिरयानी। तो आप प्लीज आइए और मस्ट ट्राई करिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ। और अगर हम नेशनल की बात करें तो नेशनल किचन में बीफ बिरयानी बहुत आतंक थी। तो मेरी तरफ से दोनों जो है ना वो पास हो चुके हैं। तो यार ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।